अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो डॉबरमैन, रॉटवाइलर और बॉक्सर जैसी डॉग ब्रीड होती है, इनके ईयर्स और टेल्स क्यों काटे जाते हैं, क्या इन्हें काटना ज़रूरी है और क्या हमें अपने डॉग के ईयर और टेल कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से डॉग्स देखे होंगे जैसे कि डॉबरमैन, पिटबुल, रॉटवाइलर और बॉक्सर और अमेरिकन बुली जैसी डॉग ब्रीड है जिनके ईयर्स और टेल्स आपको कटे हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों उनके ईयर्स और टेल्स कटवा दिए जाते हैं और क्या ये करना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कोई डॉबरमैन और पिटबुल हो तो उनके भी ईयर क्या हमें क्रॉप करवा देने चाहिए और टेल डॉग करवा देनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, थोड़ी इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि किस रीज़न की वजह से इनके टेल और ईयर्स क्रॉप किए जाते थे, ऐसा क्यों किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर क्रॉप क्यों किए जाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ टाइम पहले की, मतलब कुछ सेंचुरीज पहले की बात है कि जब डॉग्स को शिकार के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि जायंट श्नाउज़र जैसी डॉग ब्रीड है। जायंट श्नाउज़र एक अलग डॉग ब्रीड है। तो श्नाउज़र जैसी डॉग ब्रीड्स के ईयर क्रॉप कर दिए जाते थे, जिसके पीछे रीज़न ये था कि अगर वो शिकार करने निकलते हैं तो कोई जंगली बोर और या फिर कोई प्यूमा जैसी जंगली बिल्ली उनके ईयर्स को पकड़ के ऐसे मतलब अलग ना कर दे और काट वाट ना ले, ईयर्स को पकड़ के खींच ना दे। तो इस वजह से डॉग्स को थोड़ा सेफ रखने के लिए उनके बचपन में ही ईयर्स क्रॉप कर दिए जाते थे, ताकि जब वो शिकार करने निकले तो कोई भी दूसरा शिकारी जानवर उनके ईयर्स पकड़ के खींच ना सके। तो चोर वगैरह को पकड़ने के लिए डॉबरमैन यूज़ किए जाते थे। तो कोई भी चोर या फिर कोई भी कैदी, क्रिमिनल वगैरह, अगर उसको पकड़ने के लिए जाते हैं डॉबरमैन, तो उनके कान पकड़ के ऐसे ऐसे हिला ना सके और उनके कंट्रोल ना कर सके, इस वजह से डॉबरमैन्स के ईयर काट दिए जाते थे। दोस्तों, डॉग के टेल को डॉग करने के पीछे बहुत से अलग अलग रीजंस हैं, जिनमें से एक एंशिएंट रोमन टाइम्स में लोग ये मानते थे कि अगर डॉग के टेल को और उनके टंग को क्रॉप कर दिया जाए तो वो रेबीज से बचे रहेंगे, डॉग्स भी और ह्यूमंस भी। और कुछ और भी ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि 18 या फिर 17 सेंचुरी के टाइम में लोग ये मानते थे कि डॉग की जो टेल होती है वो डीमंस की टेल होती है, यानी कि शैतान जो होते हैं, डॉग्स की टेल शैतान की टेल होती है, तो इस वजह से भी क्रॉप कर दिया जाता था। और एक ठीक ठाक रीज़न है कि जो फार्म में डॉग यूज़ किए जाते थे हर्डिंग के लिए और लाइव स्टॉक को गार्ड करने के लिए, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े गाय और बुल्स वगैरह, वो डॉग की टेल पे गलती से पैर ना रख दे और चढ़ ना जाए उसके ऊपर, तो डॉग को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए उनके टेल्स बचपन में ही काट दिए जाते थे, ताकि वो आगे चल के ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था, खास करके इंग्लैंड में ऐसा होता था। इंग्लैंड में खास ज़्यादातर टेल्स डॉग किए जाते थे। तो डॉग के जो ईयर और टेल्स हैं वो उनको थोड़ा सा सेफ रखने के लिए काटे जाते थे, क्रॉप किए जाते थे। आज के टाइम में भी जिन डॉग्स को हंटिंग के लिए और हर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनके भी टेल क्रॉप किए डॉग किए जाते हैं, और अगर ना हो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि रीजंस पहले बताए। हाँ, लेकिन आज के टाइम में जो आपको डॉबरमैन, पिटबुल्स और बॉक्सर वगैरह मिलते हैं क्रॉप्ड ईयर्स और डॉग टेल के साथ, तो उनके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मतलब उनके ईयर को क्रॉप करने की और टेल को डॉग करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो ना ही शिकार करने जा रहे हैं, ना ही किसी चोर वगैरह को पकड़ने जा रहे हैं जिससे कि वो उनके ईयर पकड़ के कोई खींच दे। तो आजकल के टाइम में लोग बस दिखाने के लिए, मतलब हाँ मेरा डॉग काफ़ी एग्रेसिव है, ऐसे दिखाने के लिए भी टेल डॉग करते हैं और ईयर डॉग करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी डॉबरमैन को देखते हैं, आप अगर किसी रियल डॉबरमैन को देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ वो इतना एग्रेसिव है, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर आप किसी ईयर क्रॉप्ड वाले डॉबरमैन को देखते हैं जिसके कान ऐसे खड़े हों, तो उसको देख के आप बोलेंगे भाई यार क्या डॉग है, कितना ख़तरनाक दिख रहा है। तो इसी वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से डॉग, मतलब डॉग्स के ईयर्स और टेल्स आज के टाइम में कटवाए जाते हैं, जबकि उन्हें कोई नीड नहीं होती। तो अगर आप अपने डॉग की ईयर और टेल कटवाना चाहते हैं तो दैट्स टोटली योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है, आपका डॉग है।
वैसे कुछ करवाना तो नहीं चाहिए, कई जगह पे कई कंट्रीज़ में ये करना, ये चीज़ें करना बैन भी है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो इंडिया में करते हैं लोग, बहुत से आपको डॉबरमैन्स दिखने को मिल जाएंगे, डॉबरमैन्स, रॉटवाइलर, पिटबुल्स, बॉक्सर और भी बहुत सी डॉग ब्रीड हैं। तो जब डॉग करीब 8 to 12 वीक्स के होते हैं तब इनके ईयर्स और टेल डॉग किए जाते हैं और टेल को रैप कर दिया जाता है और ईयर्स जो होते हैं उनको ऊपर की तरफ करके बैंडेज कर दिया जाता है ताकि जब उनके ईयर्स ठीक हो जाए, काटने मतलब क्रॉप होने के बाद बैंडेज कर दिया जाता है और जब ईयर्स ठीक होते हैं और जब बैंडेज खोल दिया जाता है तो उनके ईयर्स एकदम स्ट्रेट होते हैं। तो अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं अपने पपी के साथ, लेकिन सोच लीजिए थोड़ा कि पपी को भी तो काफ़ी दर्द होता होगा। तो दोस्तों ये था आज का ये हमारा एपिसोड, उम्मीद है आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक करें इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके क्या व्यूज़ है टेल डॉकिंग और ईयर क्रॉपिंग के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो साइड में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो वीडियोज़ है आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।